जय सीताराम दोस्तों, मैं वैद्य राजीव शुक्ला आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से च्यवनप्राश बनाने की विधि और च्यवनप्राश में पड़ने वाले आइटमों के नाम और च्यवनप्राश में जो जो आइटम पड़ते हैं उसको किस प्रकार डाले जाते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं और किस प्रकार हम च्यवनप्राश का निर्माण करते हैं, शुद्ध और सही च्यवनप्राश का निर्माण करते हुए मैं आपको अपने आप को दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें हम कई चीज़ें हैं, जैसे बेल की छाल डाल रहे हैं, अरनी डाल रहे हैं, अरलू डाल रहे हैं, गंभारी है, पाटला है, मृदुपर्णी है, मांसपर्णी है, पीपर है, सालपर्णी है, प्रसपर्णी है, गोखरू है, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, काकड़ा, सिंघी, भुई, आंवला, मुनक्का, जीवंती, पोहकर, मूर, अगर, गिलोय, हर्रें, बला, रिद्धि, सिद्धि के अभाव में विराही कंद, जीवक, वृषभक, दोनों के अभाव में विराही कंद, और कचूर, नागर मोथा, पुनर्नवा, मेदा, महामेदा, और छोटी इलायची, कमल, सफ़ेद चंदन, बिदारी कंद, अड़ूसे की जड़, काकोली, क्षीर काकोली, काकनासा इत्यादि जड़ी बूटियों को हम एकत्र कर और च्यवनप्राश बनाने जा रहे हैं। दोस्तों अभी हमने सब कूट पीस के कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद अब देखिए, यहाँ हम कड़ाहा भी ले आए हैं और कड़ाहा भी जो है तो कड़ाहा का उपयोग करेंगे, इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों इसी तरह मैं आगे वीडियो में आपको बताता चलूँगा क्रम बाय क्रम। इन सभी औषधियों को हमने एकत्र कर लिया है और एकत्र करने के बाद 16 लीटर पानी में काढ़ा करेंगे, इसको काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बनाकर फिर इनमें आंवले की पोटली भी डाल दी है हमने, ये आंवले की पोटली है और पोटली में ये आंवला उबलेगा और फिर इसकी आगे की प्रक्रिया फिर हम आपको दिखलाएंगे। ये देखिए बेहतरीन तरीके से हमने इसको कलाईदार कढ़ाई में और बेल के डंडी से चला रहे हैं और इसमें कोई उपयंत्र नहीं यूज कर रहे हैं। देखिए बेहतरीन तरीके से काढ़ा होगा और ये जो च्यवनप्राश बनेगा वो बेहतरीन स्पेशल और एकदम शुद्ध च्यवनप्राश बनेगा जो च्यवन ऋषि ने हमारे लिखे हुए हैं, उन्हीं के अनुसार आयुर्वेद सार संग्रह के अनुसार हमने च्यवनप्राश का निर्माण किया है। हमारा च्यवनप्राश देखिए तैयार होने को है, हमने पीठी निकाल ली है। पीठी निकालने के बाद जो है तो इसको अब घी में भूंज रहे हैं और मंद मंद आँच में ये भूंजर रहा है। देखिए काफ़ी देर तक भूंजेगा, जब लाल सुर्ख हो जाएगा तो दोस्तों इसको हम जो है तो चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हमारा काढ़ा तैयार है, ये देखिए काढ़ा, और इस चाशनी में जो है तो इसको मिक्स कर देंगे और ठंडा होने पर प्रक्षेप औषधियाँ काफ़ी कुछ मिलाएंगे, जैसे दालचीनी हो गई, इलायची हो गया, नाग केसर हो गया, केसर हो गया, इस प्रकार से कई बिच्छे पे औषधियाँ मिलाकर और हम तैयार कर रहे हैं च्यवनप्राश एक नंबर का, एकदम शुद्ध। और ये देखिए अब हमारा धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, अंधेरा होने को आया, इस कारण से अब वीडियो नहीं बनेगा। और दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी थी, हमने बताया था आपको, नाम सहित बताया था। और 50-50 ग्राम हमने औषधि ली हैं, 36 प्रकार की औषधि हमने ली हैं और 36 प्रकार की औषधि लेने के बाद इसे हमने काढ़ा किया। काढ़ा करने के बाद काढ़ा हमारा तैयार है, इस काढ़े में चाशनी बनेगी और चाशनी बनने के बाद फिर इस भुंजे हुए पीठी को हम उसमें मिक्स करेंगे और ठंडा होने प्रक्षेप औषधि मिलाएंगे और ठंडा होने पर हम इसमें शहद की मात्रा मिलाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से ये च्यवनप्राश बनेगा एकदम शुद्ध और एकदम देसी तरीके से, और वही हमने आयुर्वेद सार संग्रह से इसका नुस्खा लिया था और उसी के तरह हमने बनाया है। दोस्तों धन्यवाद। ये देखिए हमारा च्यवनप्राश कंप्लीट हो गया है और च्यवनप्राश बनाने के सारे
तरकीब आपको हम बताए हैं, और शुद्ध जड़ी बूटी से स्पेशल च्यवनप्राश तैयार हुआ है। दोस्तों इसका टेस्ट भी बहुत प्यारा है और इसको खाने से कई रोग खत्म हो जाते हैं। ये हमारे आयुर्वेद सार संग्रह से नुस्खा लिया गया है, उस नुस्खे के अनुरूप से हमने च्यवनप्राश बनाया है और शुद्ध तरीके से बनाया हुआ च्यवनप्राश है। धन्यवाद दोस्तों।